हाय गाइस, हाय, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज मैं आपको स्विच पेंटिंग बनाना सिखा रही हूँ। जैसे आप देख रही हैं कि मैंने पेंसिल से पहले ड्रॉ कर रखा है और मैं अब ड्राइंग कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे लेट याद आया कि मैं इस चीज़ को आप में शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ कि किस तरह से बनाया जाता है स्केचेस पेंट करके एक्रेलिक कलर में यूज़ कर रही हूँ इसमें आपके। और सिर्फ ब्लैक ही यूज़ होता है? और सिर्फ ब्लैक ही यूज़ होता है, आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं बट अभी मैं ब्लैक ही यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज, आप देखिए मैं किस तरह से पेंटिंग कर रही हूँ। से कहा कि छोटा सा स्मॉल साइज वाला, जीरो साइज वाला ना, और ये बहुत फैला वाला लेके आ चुकी आई है। सो मुझे इसी में एडजस्ट करना पड़ रहा है। आप पतला वाला ब्रश भी इसमें यूज कर सकते हैं बट मुझे यही मिला, सो इसी से मैं कर रही हूँ। इसमें आप देखिए मैंने इसमें एक पोल है और इसमें मून है, दो कैट्स बैठी हैं और एक लाइट लगा रखी है, एक लाइट मून का है ये डिजाइन, ये है नाइट सीन जैसे आप देख रही हैं। जो ये ब्रश है, ये ब्रश सिर्फ पोल के लिए बेस्ट रहेगा और जो ये पतली आपकी लाइन दिख रही है उसके लिए छोटा वाला ब्रश आपको सूटेबल रहेगा। इसलिए मुझे ये ब्रश से एडजस्ट करना पड़ रहा है। सो अभी ये थोड़ा सा ये जो लाइनिंग है मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बोलो। सो गाइज, मैंने ये लाइन जो थी वो मैंने कंप्लीट कर चुकी है और मैं मून में आ चुकी हूँ जिससे आप देख रहे हैं। सो गाइज, मैं अब मून कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं हम आपको। सो गाइज, मुझे जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं मून कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब मैं कैट पे आ चुकी हूँ। अब जो ये फर्स्ट कैट मैं ड्रॉ कर रही हूँ, अब इस ड्रॉ के बाद हम आपको मिलते हैं। सो गाइज देखो, हेलो गाइज, जिस तरह से आप देख रही हैं फर्स्ट कैट मैंने कंप्लीट कर चुकी है, अब मैं सेकेंड कैट में आ चुकी हूँ। अब मैं सेकेंड कंप्लीट होने के बाद ही आपको दिखाऊंगी। बोलो। हेलो हेलो गाइस, इसमें आप देख रहे हैं ये मेरा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं नेक्स्ट ड्राइंग में आ रही हूँ। गाइस बाय। तो गाइज, अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट तो प्लीज़ कीजिएगा।